हेलो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बट वेल्ड के बारे में इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने बोल्टेड कनेक्शन के बारे में बात की थी और अब हम वेल्डेड कनेक्शन में बात करेंगे सो so, वेल्डेड कनेक्शन में हमारा जो पहला टॉपिक रहता है वो रहता है हमारे पास बट वेल्ड का सो so, बट वेल्ड का एक क्वेश्चन हम देखेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है और उसके बाद हम आगे चलेंगे सो so, क्वेश्चन क्या हमारे पास है टू प्लेट्स ऑफ साइज टू तूँ, ट्वेंटी एम क्रॉस फोर्टीन एम एम

थिकनेस है इन दो प्लेट्स को हमें ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ बट वेल्ड सो so, बट वेल्ड क्या होता है जब हम हेड टू हेड दो प्लेट्स को जो अलॉन्ग थिकनेस उनको जॉइन करेंगे जैसे बट ज्वाइंट होता है बोल्टेड कनेक्शन हमने बट ज्वाइंट देखा था वैसे यहाँ पर बट वेल्ड होता है इसमें ओवरलैप एक दूसरे के प्लेट्स को ओवरलैप नहीं करते बल्कि हेड टू हेड तो उनको कनेक्ट करते हैं बीच में वेल्ड कर देते हैं सो so, हमारे पास क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं कि बट वेल्ड से वेल्ड कर दो इसको और इस जॉइंट की जो है थिकनेस निकालो कंडीशंस दो दी हैं एक है पार्शियली पेनिट्रेटेड वेल्ड होगा और दूसरे में होगा फुल पेनिट्रेटेड वेल्ड अब ये पार्शियली पेनिट्रेटेड वेल्ड क्या है फुली पेनिट्रेटेड वेल्ड क्या है इसके लिए हम काम करेंगे हम कुछ टर्मिनोलॉजी जो है बट वेल्ड की पहले वो सीखेंगे सो so, ये हमारे पास बट वेल्ड का जो हमारे पास डिजाइन टर्म्स है जो हमें याद रखनी पड़ेंगी जब के हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो so, पहले टर्म क्या है इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ठीक है इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस क्या होती है तो यहाँ पे देखिए एक प्लेट है और ये एक प्लेट है बीच में इनको मैंने वेल्ड से ज्वाइन कर दिया है सो पेनीट्रेशन यहाँ पे क्या है फुल क्योंकि जितनी टोटल थिकनेस ऑफ प्लेट है उतनी की ही पेनीट्रेशन उतना ही की वेल्ड की थिकनेस भी होगी दूसरा है पार्शली इस केस में क्या है कि जो दो प्लेट्स हैं एक प्लेट ये है मेरे पास एक प्लेट ये इनको दो पलेट्स को ज्वाइन करना मैंने इनको साथ में लगाया हेड टू हेड और वेल्ड जो है वो आधा ही है डेप पूरी डेप तक जो थिकनेस थे पलेट हैं उतनी उसकी पूरी डेप तक नहीं है हमारी वेल्ड वो पार्शल है तो इसको पार्शल पेनिट्रेशन कहते हैं सो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस कैसे निकालते हैं हम वो हमारे पास कोडल प्रोविजंस क्या है हम वो देखेंगे सो so, कोडल प्रोविजन फॉर फॉर फुल पेंट्रेशन जब फुल पेंट्रेशन हमारे पास होगी इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इज गिवन बाय थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट कनेक्ट टू द नंबर जब हमारे फुल पेंट्रेशन होगा ठीक है जब हमारे पास कंडीशन कौन सी होगी फुल पेनिट्रेशन होगी तो उस टाइम जो हमारे पास दो प्लेट्स होंगे एक तो दोनों में से जो प्लेट्स की थिकनेस कम होगी वो हम लेंगे इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस के बराबर इसको हम टी ई से डिनोट करते हैं और जब हमारे पास सेम कंडीशन होगी जब हमारे पास पार्शल पेनिट्रेशन होगी ठीक है जब आधी पेनिट्रेशन होगी आधी थिकनेस तक जो है वेल्ड हुआ होगा तो उस वक्त जो हम इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है वो हम लेते हैं फाइव बाई एट थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट ठीक ठीक है जो थिनर प्लेट होगा दो प्लेट्स हमारे पास होंगे या तो दोनों सेम थिकनेस के होंगे तो एक लेंगे दोनों में से कोई भी ठीक है या तो दोनों के डिफरेंट थिकनेस होगी जो छोटी वाली थिकनेस होगी वो हम ले लेंगे तो वही उसको फाइव बाई एट से मल्टीपल करेंगे और थिनर प्लेट जो है उसकी थिकनेस से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास थ्रॉड थिकनेस इफेक्टिव थ्रॉड थिकनेस आ गई इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आ रही है वो है साइज़ ऑफ वेल्ड तो साइज ऑफ़ वेल्ड किस चीज़ के बराबर होता है साइज ऑफ़ वेल्ड होता है बराबर इफेक्ट इफेक्टिव थ्रॉड थिकनेस के बट वेल्ड की कंडीशन में यार रखना कि साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू ये इफेक्ट कभार एग्जाम में एक मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है कि थिकनेस किसके बराबर होगी बट वेल्ड में तो साइज ऑफ वेल्ड किसके बराबर होगा बट वेल्ड में तो हम थ्रोट थिकनेस के बराबर ही लेते हैं इसके बाद जो हमारा तीसरा कंडीशन होता है तो इसी टर्मिनोलॉजी जो डिज़ाइन टर्म में है वो है स्ट्रेंग्थ ऑफ बट जॉइंट जो बट जॉइंट है हमारा उसकी स्ट्रेंग्थ क्या है जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछ रहा है तो उसकी फार्मूला हमारे पास है स्ट्रैंग्थ ऑफ बट जॉइंट होती है बराबर एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम डब्ल्यू प्लस एल डब्ल्यू इंटू ई अब क्या है एफ वाई का वैल्यू क्या है एफ वाई होती है स्ट्रेंथ ठीक है स्ट्रेंथ दो चीजें होती है एक तो मेटल यूज होगा जो प्लेट्स का मटेरियल होगा और वेल्ड का मटीरियल होगा दोनों की आपने अपनी स्ट्रेंथ होगी और दोनों में से जो स्मॉलर स्ट्रेंथ होगी हम ले लेंगे एल डब्ल्यू होती है लेंथ ऑफ वेल्ड ठीक है कितनी लेंथ तक वेल्ड करनी है हमें ठीक है कितनी लेंथ है वेल्ड की ठीक है उसको हम लेंथ ऑफ वेल्ड बोलते हैं ये हम क्वेश्चन में समझेंगे लेंथ ऑफ वेल्ड कैसे हम डिटरमाइन करते हैं उसके बाद इफेक्ट थ्रॉट थिकनेस टी ई जो होता है इफेक्ट थ्रॉट थिकनेस है उसकी दो कंडीशन हमने ऊपर पाट ली जो कंडीशन होगी उसी कंडीशन में हम इफेक्टिव थ्रॉड निकालेंगे उसके बाद गामा एम डब्ल्यू जो है पार्सल सेफ्टी फैक्टर है जब हमें दिया गया होगा कि शॉप वेल्ड है ठीक है मतलब शॉप वेल्ड होता है कि जब वेल्डिंग जो जो जॉइंट है वो जो वर्कशॉप होता है वर्कशॉप के अंदर के बनाया गया होगा तो उस टाइम हम पार्सल सेफ्टी फैक्टर लेंगे वन और जब हमारे पास साइट वेल्ड होगा जब ऑन साइट हम वेल्डिंग करेंगे तो उस टाइम पार्सल सेफ्टी फैक्टर जो लेते हैं वन पॉइंट फाइव के बराबर लेते हैं अगर हमें क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया होगा कि शॉप वेल्ड है या साइट वेल्ड है तो हम उस टाइम मोस्ट ऑफ द केस में शॉप वेल्ड लेके ही डिज़ाइन कर देते हैं अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ठीक है बेसिक टर्मिनोलॉजी तो हमने सीख ली अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो हमारे क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी गई हैं वो हमने देखी एक तो पार्शली पेनीट्रेशन का भी है और फुल पेनीट्रेशन का भी है और जो स्टील हैं ग्रेड ऑफ स्टील जो है वो एफ ई यूज़ किया गया तो अब हम गिवन डेटा लिख लेंगे पहले तो गिवन डेटा क्या है हमारे पास आप देखिए साइज़ ऑफ वेल्ड प्लेट्स दिया गया है ठीक है दो प्लेट्स हैं दोनों का साइज़ दिया गया है 220 ट्वेंट एम एम क्रॉस फोर्टीन एम एम एंड टू ट्वेंटी एम क्रॉस टूए एम सो यहाँ पे जो 220 ट्वेंटी mm एम है ये विड्थ ऑफ प्लेट होगी और जो टू एफ फोर्टीन एम है ये थिकनेस ऑफ प्लेट होगी ऐसे ही 220 ट्वेंटी mm एम जो ये वाला होगा ये भी विड्थ ऑफ प्लेट है और 12 एम mm एम जो है थिकनेस ऑफ प्लेट है इसके बाद हम लेंथ ऑफ जॉइंट निकालेंगे ठीक है लेंथ ऑफ जॉइंट जॉइंट की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे देख सकते हो ये एक प्लेट है हमारे पास ठीक है और ये दूसरा प्लेट है ठीक है दोनों प्लेट्स हैं इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं सामने ये वेल्ड करनी इतने से पोर्शन को हमें वेल्ड करना है इनको ज्वाइन करने के लिए तो कितनी लेंथ ऑफ वेल्ड है इसी को हम लेंग्थ ऑफ वेल्ड बोलते हैं या लेंथ ऑफ जॉइंट भी बोल सकते हैं लेंथ ऑफ वेल्ड भी बोल सकते हैं ठीक यह यह है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंग्थ कितनी है दो सौ बीस एम एम क्वेश्चन में वृद्ध के बराबर होगा तो दो सौ बीस एम एम हमने लिख लिया तो यहाँ पे हम ले क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लेंथ ऑफ वेल्ड लिखेंगे एल डब्ल्यू सी डी करेंगे दो सौ बीस एम एम इसके बाद थिकनेस ऑफ प्लेट जो है थिकनेस ऑफ प्लेट आप कौन सी वाली लेंगे हमेशा याद रखें थिकनेस जो है मिनिमम वाली लेते हैं ठीक है दोनों में से मिनिमम थिकनेस कौन सी है वो है बारह एम एम तो बारह एम एम थिकनेस ऑफ प्लेट ले ली और यील्ड स्ट्रेंग्थ एफ वाई से डिनोट करते हैं ठीक है आप मेंशन कर लूँगा मैं ये एफ वाई से हम डिनोट करते हैं सो तो यल्ड स्ट्रेंग्थ किसके बराबर होगी ये एफ ई फोर वन जीरो ग्रेड ऑफ स्टील दिया गया तो उसकी यील्ड स्ट्रेंग्थ जो होती है वो होती है दो सौ पचास न्यूटन पर एम एम स्क्र के बराबर तो हमने ये यील्ड इसकी ले ली इसके बाद हमने गिवन डेटा लिख लिया अब हम जो हैं पहले पार्ट पे आते हैं पहला पार्ट हमें बोल रहा है फॉर पार्शली पेनिट्रेशन ऑफ द जॉइंट ज्वाइंट की पेनिट्रेशन जो है पार्शल पेनिट्रेशन है वेल्डिंग पूरी थिकनेस को नहीं हुई है पार्शल थिकनेस को हुई है तो इफेक्टिव थ्रॉड थिकनेस किसके बराबर होगा टी ई से डिनोट करते हैं हमने इससे पहले भी पढ़ा इफेक्टि थ्रोट थिकनेस इन केस ऑफ पार्शल पेनिट्रेशन किसके बराबर होता है फाइव बाई एट इंटो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट सो फाइव बाई एट थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट टी से हमने डिनोट कर लिया ऊपर वो कितना है बारह एम एम तो बारह एम एम से मल्टीपल कर देंगे तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो हमारी है वो सेवन पॉइंट फाइव एम एम आ गई अब हम स्ट्रेंथ ऑफ तो जॉइंट निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ तो जॉइंट की फार्मूला क्या है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ तो जॉइंट की फार्मूला एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम डब्ल्यू एल एल डब्ल्यू इंटो टी एफ वाई है यील्ड स्ट्रेंथ गामा एम डब्ल्यू पार्शल सेफ्टी फैक्टर एल डब्ल्यू होती है लेंग्थ ऑफ वेल्ड और टी होता है थिकनेस ऑफ सॉरी सॉरी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ये जो वैल्यूज हैं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट के लिए हम पुट करेंगे एफ वाई की जगह हम जो पुट करेंगे वैल्यू टू फिफ्टी न्यूटन परिडामा एम डब्ल्यू जो सेफ्टी फैक्टर वो हम वन पॉइंट टू फाइव ले रहे हैं क्वेश्चन में आपने देखा होगा कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था कि जो वेल्ड है शॉफ वेल्ड है या जो साइट है हमने शॉप वेल्ड खुद से डिनोट एजूम करके चल लिए आप साइट वेल्ड भी ले सकते हो कोई कंडीशन नहीं एक जो एग्जाम देखेगा पेपर तो उसको खुद से पता चलेगी इसमें बच्चे ने नेजूम कर लिया यहाँ पे तो 1.25 ले लिया हमने इन टू लेंथ ऑफ वेल्ड हमारे पास दो सौ बीस इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस से पॉइंट फाइव सब कैलकुलेट करेंगे तो थ्री थर्टी थाउजेंड न्यूटन आएगा जब हम थाउजेंड से इसको डिवाइड करेंगे तो किलो न्यूटन बन जाएगा तो तीन सौ तीस किलो न्यूटन के बराबर जो हमारा वैल्यू आएगा इसका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट फॉर पार्शल पेनिट्रेशन अब दूसरी कंडीशन की बात करें दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन में फॉर पुल फुली पेनिट्रेशन जॉइंट जो है ठीक है जब पूरा पेनीट्रेट जॉइंट होगा तो तब क्या करेंगे इफेक्टिव थ्रॉड थिकनेस किसके बराबर होगी इफेक्टिव थ्रॉड टी ई ठीक है वो होती है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट हमने पहले ही कंडीशन जो डिजाइन टर्म्स पड़ी उसमें है तो टी ई किसके बराबर होगा इफेक्टिव थ्रॉड थिकनेस इन केस ऑफ फुली पेनीट्रेशन इज इक्वल टू बारह एम एम तो बारह एम एम बाकी जो डेटा है सारा सेम रहेगा क्योंकि लेंथ ऑफ वेल्ड सेम रहेगा क्योंकि प्लेट्स हमारे पास वही है ग्रेड ऑफ स्टील भी वही रहेगा पार्शल सेफ्टी फैक्टर भी वही रहेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालेंगे कैसे निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट हमारे स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट किसके पर होता है एफ वाई डिवाइड गामा एम डब्ल्यू लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू इफेक्टिव थ्रॉड थिकनेस एफ वाई दो सौ पचास न्यूटन पर स्क्वायर गामा एम डब्ल्यू फिर से हमने शॉप वेल्ड ले लिया वन पॉइंट टू फाइव लेंथ ऑफ वेल्ड दो सौ बीस एम एम सॉरी दो सौ बीस एम एम हाँ और थिकनेस जो है बारह एम एम के बराबर लेंगे इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस जब कैलकुलेट करेंगे वो रहेगा फाइव ट्वेंटी एट थाउजेंड न्यूटन ठीक है किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड से डिवाइड कर लिया तो वो आएगा फाइव ट्वेंटी एट किलो न्यूटन के बराबर ये हमारे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है कब जब हमारी फुली पेनिट्रेशन होगी होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा कि कोई भी डाउट अगर होगा आपको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें थैंक यू